नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे YouTube चैनल कथा और कहानी में स्वागत है। आज हम सुनेंगे देवश्यामी एकादशी, साढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, साढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? हम सब हमें विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुमने इस कली काल में प्राणियों के उद्धार के लिए उत्तम प्रश्न पूछा है। एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। इसका व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। उसके राज्य में प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुख पूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय राजा के राज्य में लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राज्य के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ रहा है, जिसके कारण प्रजा भूख से मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने का कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों के साथ वन में चल दिया। वहां वह अनेकों ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहां मुनि अभी नित्य क्रम से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए हैं, सो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग रहा। मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। आप मेरा संदेह दूर करके प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वो ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र की तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले को शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छुटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो साढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत कर सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी समस्त प्रजा सहित करो। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इसलिए देवश्यामी एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट होते हैं। इस एकादशी को देवश्यामी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अंतः मोक्ष की प्राप्ति हेतु मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए।